चलो फिर आज आपको दर्शन कराते हैं मुक्तेश्वर धाम के, जो कि पंजाब के पठानकोट के पास डूंग विलेज में स्थित है। यहाँ पे आप पठानकोट से कोई भी अपना व्हीकल लेके या बाय बस भी आ सकते हो। यहाँ पे आपको पार्किंग मिल जाएगी आराम से अगर आप अपने व्हीकल में आते हो, और ये है यहाँ का एंट्री गेट। मंदिर तक पहुँचने के लिए आपको तकरीबन 150 से 200 जो स्टेयर्स है वो उतरनी पड़ेंगी। यहाँ पे 150 से 200 पौड़ी है जो कि उतर के आप धाम तक पहुँच पाएंगे। मुक्तेश्वर धाम शाहपुर कंडी में डैम है जो उसके पास में स्थित है। ये मुक्तेश्वर धाम पांडवों द्वारा स्थापित किया गया है। अज्ञातवास टाइम पे पांडव जो है वो होशियारपुर चिंतपूर्णी से होते हुए यहाँ पे आके रुके थे, और यहाँ पे तकरीबन उन्होंने 6 महीने जो है वो यहाँ पे ही गुजारे हैं, और उसी टाइम पे उन्होंने जो है शिवलिंग का निर्माण किया प्लस 5 गुफाओं का निर्माण किया था। यहाँ पे वो अपनी तपस्या करते थे, पाठ पूजा करते थे। यहाँ पे एक रसोई भी बनाई गई है जिसे कि द्रौपदी की रसोई के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ पे डैम के कंस्ट्रक्शन की वजह से मोस्टली गुफा जो है वो बंद हो चुकी हैं। यहाँ पे अभी आप जो है शिवलिंग के दर्शन कर सकते हो, प्लस पांडव जो यहाँ पे तपस्या करते थे वहाँ के दर्शन कर सकते हो, और एक जगह और है जहाँ पे वो उनका रूम बना हुआ था साधना के लिए, आप उसके भी वो देख सकते हो यहाँ पे। मुक्तेश्वर धाम का ये मेन मंदिर है। जब आप यहाँ पे एंटर करते हो तो सबसे पहले आपको एक रूम मिलता है, यहाँ पे भैरवनाथ जी की मूर्ति है, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे जो मैं किचन की बात कर रहा था द्रौपदी की रसोई वो है इसकी बैक साइड पे। ये मेन शिवलिंग है, यहाँ पे पांडव अपनी पाठ पूजा करते थे, यहाँ पे उन्होंने ये शिवलिंग स्थापित किया था। इन्हीं गुफाओं के आसपास से एक गुफा निकलती थी जो कि सीधा हरिद्वार जाती थी, लेकिन वो डैम की कंस्ट्रक्शन की वजह से वो खंडित हो चुकी है, अब वो बंद हो चुकी है गुफा। मुक्तेश्वर धाम रावी नदी के पास ही स्थित है। यहाँ पे तकरीबन 6 महीने पांडवों ने अपना समय जो है वो व्यतीत किया अपने जो अज्ञातवास का था। 6 महीने व्यतीत करने के बाद वो रावी नदी को पार करते हुए जम्मू की सीमा में एंटर कर चुके थे। सोमवार और शिवरात्रि के दिनों में यहाँ पे काफ़ी भारी रश होता है, दूर दूर से यहाँ पे जो लोग हैं वो माथा टेकने आते हैं। इस बोर्ड पे मुक्तेश्वर धाम की पूरी कहानी लिखी हुई है, आप पॉज करके वीडियो को यहाँ पे कहानी पूरी पढ़ सकते हैं। मुक्तेश्वर धाम को छोटा हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर लंगर की सेवा भी उपलब्ध रहती है, आप आराम से यहाँ पे लंगर ग्रहण करके आगे अपनी यात्रा के लिए आ सकते हैं। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में,
टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय भोलेनाथ की।